फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आशा करूँ अपने सबे भले आयो भले आजी बहुत रोद दी बहुत फटाफटी कर मोर बहुत भूख लगे ये हल अलगुबे बाबा स्टेशन और मोर इते आज मोर फेवरेट रेस्टुरेंट सो ते मैं गई आसो बोलगा हक बस स्टेशन तर ठीक सन्मुखते आज मोर फेवरेट रेस्टुरेंट यार नाम एवरेस्ट 100 रेस्टुरेंट इतना जिम्मे मानु काम कर न सब सकोखि मोर फ्रेंडर निचना है और बहुत भल है तहती बहुत मरमियाल है मोर फेवरेट है रेस्टुरेंट हाँ मैं हेलो भाई कैसे हो ठीक हो बताओ कैसे हो आप बोलना नहीं आता अरे बता तो दो कहाँ से हो आप नेपाल से हो ठीक है और बाकी दोस्त लोग किधर है मेरी कैसे हो मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल ये मेरे दोस्त है मेरे दोस्त लोग का कहना ये है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और असमिस में बनाती हूँ तो मैंने सोचा कि ये हिंदी में बनाएंगे तो उन लोग को समझ में आएगा सो मैं यहाँ पे आई हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है रेस्टोरेंट क्योंकि ये लोग सारे बहुत प्यारे प्यारे हैं और बहुत प्यारे ऐसा लगता है कि अपने हैं सब खाना भी खाते हैं मस्त बात भी करते हैं और अपनापन भी लगता है इसलिए आप लोग भी आइएगा यहाँ पे ज़रूर बहुत अच्छा खाना मिलता है आज उन्होंने सजेस्ट किया मेरे को मोमो खाने के लिए तो मैं मोमो खाऊँगी और मोमो किसको अच्छा नहीं लगता यार सबको मोमो अच्छा लगता है मैंने पहले ऑर्डर किया था चाय और मेरा ये चाय आ गई है बोलते हैं हर चीज़ एक वक्त तक ही अच्छे लगते हैं लेकिन चाय तो हर वक्त अच्छे लगते हैं चाहे वो बारिश हो चाहे वो गर्मी हो आज तो बहुत गर्मी है भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन फिर भी मैं चाय पी रही ये देखो मेरे मोमोज आ गए जो मेरे दोस्त ने बताया था कि आज मोमो ही खा लो यार तो एक लड़की को क्या सजेस्ट कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा मोमो ही खाने के लिए बोल सकती है और मोमो खाना किसको अच्छा नहीं लगता यार सबको अच्छा लगता है और पता है आपको मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी सिक्किम से तो मुझे वहाँ पर ये सबसे अच्छा लगता था मोमोज खाना और मैं डेली 4-5 प्लेट खाती थी और मेरी वहाँ से फेवरेट हो गया था वहाँ पर जितने भी लोग बनाते थे नेपाली लोग बनाते थे इस रेस्टोरेंट में भी सेम है नेपाली लोग ही बनाते तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट भी सेम ही है यार जो सिक्किम में मिलता था यहाँ पे भी दुबई में भी आके मुझे वही टेस्ट मिल गया तो मज़ा आ गया खा के आप लोग इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आना और क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे खाने मिलते हैं यार और लोग भी बहुत प्यारे हैं आप लोगों के साथ अच्छी तरह से बातें करेंगे बहुत स्वीट है वो लोग ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले आए हो आप लोग तो सोच ही रहे होंगे कि ये बेचारी लड़की अकेले खा रही है कोई है नहीं उसके साथ पर यार दोस्त मैं बताती हूँ आपको मैं अकेले हर जगह चली जाती हूँ अकेले कंफर्टेबल हो एकदम सो मैं अकेले खा लेती हूँ कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होते अकेले खाने में और मैं एक भाई के लिए भी वेट कर रही हूँ उसका छुट्टी है वो यहाँ पर काम करते मैं आगे दिखाऊँगी उसके साथ भी मुझे वीडियो बनाना है यार उसके लिए वेट कर रही हूँ आपके तरफ से पर मुझे मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ बट ठीक है मैं कोल्ड ड्रिंक्स इतनी पीती नहीं हूँ कभी ये देखा आपने मैंने बताया था ना कि वो लोग बहुत प्यारे हैं सुन और उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोल्ड ड्रिंक्स पिला दिया पर मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीती नहीं हूँ पर ठीक है चलो इतना प्यार से दे रहे हैं तो मना तो कर नहीं सकते तो मैंने पी लिया कोल्ड ड्रिंक्स भी ये लो मेरा भाई आ गया जिसके लिए मैं वेट कर रही थी मैंने आपको बताया था कि मैं वेट कर रही हूँ उसके लिए कुछ नहीं बताओ ना मुझे अभी 6 महीने में दुबई में आया अभी भी कम टू दुबई भाई मत आओ क्यों मत आया हम लोग आ गए तो लोगों को नहीं बुलाएगा आओ दुबई आओ बहुत अच्छा है पैसा कमाओ मस्त आओ भी अपना आराम से सो ये भाई भी यहाँ पे काम करते हैं इसी रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा भाई है ये बहुत स्वीट सा है क्यूट सा है ये तो सभी अगर कोई देख रहा है तो आज भाई का छुट्टी था लेकिन मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया मैंने जब फ़ोन किया कि वो सो रहा था क्या कि भाई आ जाओ तुमको मिल के जाती हूँ सो हम लोगों ने बहुत बातें किया बहुत दिनों के बाद आई हूँ मैं यहाँ पे आती रहती हूँ एक्चुअली और मैंने सोचा कि बुला लेती हूँ उसको छुट्टी था उसका वो आ गया तो YouTube चैनल करना करना और
देसी इंडियन लड़का हूँ, इंग्लिश से बात करता हूँ। इंग्लिश में बात करेंगे या नहीं, अपनी लैंग्वेज में ही बात करनी चाहिए जो हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, है ना। बहुत जल्दी न्यू वीडियो में मिलेंगे, सो बाय बाय।